ये उन दिनों की बात है। अरे समी भाई मजा आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है, बोलो तो एकदम ओके की रिपोर्ट। स्थिति नियंत्रण में है, कोई पंगा नहीं हुआ। अरे नैना की चाची ने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। तुझे कैसे पता? पंडित का फोन आया था सुबह सुबह। पंडित का? अरे मेरा मतलब मेरी फ्रॉक वाली पंडित का। क्यों भाई तुझे क्या हुआ? तेरा कौन सा इलायची से भरा हुआ जहाज डूब गया? कुछ नहीं यार, मैं बस नैना के बारे में सोच रहा था कि यार ये लड़कियों की लाइफ भी कितनी डिफिकल्ट होती है ना, घर वालों की सुनेंगी या बॉयफ्रेंड की। अरे सबसे पहले तू मेरी सुन भाई, कॉलेज खत्म होते होते मैं 21 साल का हो जाऊंगा, और जैसे ही 21 साल का होऊंगा मैं स्वाति से शादी कर लूंगा, तुम नैना से कर लियो, फिर ये सुनने सुनाने का चक्कर ही खत्म, फिर चारों आराम से चौड़े होके फिल्म देखने जाया करेंगे। अच्छा मतलब चौड़े होके फिल्म देखने के लिए शादी कर लें। हेलो मुझे शादी करनी है, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना यार। यार 21 साल में शादी कौन करता है, आराम से करेंगे 24-25 साल के होने के बाद। तब तक क्या करेंगे? तब तक ये जो छुपन छुपाई वाला प्यार है इसके मजे लेंगे। अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे भी शादी के बाद क्या होता है, यही होता है ए पिंटू के पापा, ए चिंटू के पापा, अरे जरा दफ्तर से आते हुए 5 रुपए की दही लेते आना, अरे नमक खत्म हो गया है, मिर्ची खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई है। चल कॉलेज के निकलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोग लाइब्रेरी में क्या करते हैं? धीरे धीरे बातें, पढ़ाई। यहाँ भी पढ़ाई भी करोगी, क्लास में भी पढ़ाई है ना। चलो ना रेड रोज चलते हैं। नहीं मुझे पढ़ना है, बहुत हो गई मस्ती, आज से खुल्लम खुल्ला प्यार बंद, बस पढ़ाई पर ध्यान देंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन प्यार खुल्लम खुल्ला नहीं पर छुप छुप के तो पक्का करेंगे। चलो ना प्लीज, इतना क्या पढ़ाई का भूत चढ़ाया तुम्हें नैना, प्लीज यार। इसको देख के ना मुझे ससुर जी की याद आ गई। किसकी ससुर जी? मेरे प्यारे लाइब्रेरियन, अगर वो होते ना तो कान पकड़ के बाहर निकाल देते। कान पकड़ के बाहर तो उनकी बेटी भी निकाल सकती है। मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भी मेरे साथ बाहर आना पड़ेगा। नहीं समीर प्लीज। चलो ना प्लीज। नैना प्लीज चलो ना यार। अच्छा ठीक है हम वहाँ जाएंगे और एक ही कॉफी पी के वापस यहाँ आ जाएंगे। नहीं समीर देखो, कल जो भी हुआ ना मुझे लगता है उसके बाद हमें ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं घूमना चाहिए। पर ऐसा कुछ हुआ थोड़ी ना है, I mean, चाची जी ने थोड़ी ना किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी। नैना प्लीज चलो यार, कौन सा चाची और चाचा जी यहाँ तुम्हारी जासूसी करते आ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं और हमें ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। लेकिन अगर किसी रोमियो का ध्यान उसकी जूलियट पे है तो वो क्या करेगा? मंदिर में जाके मंजीरे बजाए। मतलब एग्जाम्स तक नो मिलना जुलना। नैना एग्जाम्स तो बहुत दूर है यार, तब तक क्या करेंगे हम? तुम इतना इंतजार करवाओगी? जो मजा है इंतजार में वो कहाँ विसाले यार में। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब से पढ़ाई ज्यादा और प्यार कम। और प्रीति के सामने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन भूल गई थी कि अब मुझे पढ़ाई अकेले करनी होगी। लेकिन प्यार में तो समीर मेरा बराबर का पार्टनर था, और समीर का ध्यान प्यार से हटा के पढ़ाई पे लगाना, ओ हो 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 हो, किसी के बस की बात नहीं थी। समीर ना तो खुद पढ़ने के मूड में था और ना ही मुझे पढ़ने देने के। अरे पूजा बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अरे ला मुझे दे, ऐसे टाइम पे इतना वजन ना उठाते। नहीं नहीं आंटी हल्का सही है, मैं उठा लूंगी। और बेटा ससुराल कब जा रही है?
जल्दी चली जाऊंगी आंटी। वो क्या है ना बेटा, बुरा मत मानना, तेरी मम्मी जैसी हूँ, ऐसे वक्त ना आदमी से ज्यादा दिन दूर नहीं रहते, और फिर सातवें महीने के बाद तो तुझे इधर ही आना। ओ भाई। अरे नमस्ते भाभी जी। हाँ, राम राम। मुंह में राम और बगल में छुरी। लो भाभी जी, ऐसी क्या बात कर दी मैंने? कहा तुमने, कहा कुछ बोला, मेरे ही कान बज रहे हैं। क्या कह रही थी, वापस कब जाएगी है? और ऐसे समय में अपने पति के साथ रहना चाहिए। अरे मेगा बहन की माँ, अपनी बेटी की फिक्र करो, हमारी बेटी की चिंता करना छोड़ दो। कुंवारी बैठी है अभी तक घर में। भलाई का तो जमाना ही ना है। हाँ, नहीं है जमाना। बेटा समझाया था ना तुझे मैंने, दुनिया तमाशबीन है, मजबूत बन, तेरी और तेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। अग्रवाल खानदान की लड़की है ना, मुंह तोड़ जवाब देना सीख। देख, सीख अपनी ताई से। देखा कैसे दहाड़ रही थी, और मैंने जैसे आवाज ऊंची करी तो बिल्ली के जैसे म्याऊं म्याऊं करके चली गई। तुझे समझाया था ना, एक बात गांठ बांध ले, धन दौलत से बढ़कर है जान, और जान से बढ़कर है इज्जत। तू ससुराल नहीं जाएगी जब तक दामाद जी खुद तुझे लेने नहीं आएंगे, समझी? और तू देख लेना, हाथ पैर जोड़कर आएंगे वो वापस लेने तुझे, समझी? जा, तू घर जा, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, जा। संभाल के जाना। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जैसे पूजा को क्या खुसुर खुसुर समझा रही होंगी। गुजरते वक्त के साथ नैना का जितना ध्यान पढ़ाई में बढ़ रहा था, उतना ही मेरा ध्यान नैना में। वो किताबें ढूंढती थी और मैं उससे रोमांस करने का मौका। और इस खींचा तानी में हम दोनों अक्सर पकड़े भी जाते थे और पीटे भी। क्या बात है, लड़कियों को बैलीज पहन के चलते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन बैली को बिना लड़की के चलते हुए पहली बार देख रहा हूं। बैड जोक। किसकी बैली है ये? Get out. Focus now.
course. पूजा मैं कह रही हूँ ना, ले बात कर। नहीं ताई जी, नहीं नहीं मैं नहीं करने वाली। अरे ऐसे कैसे, चुप चुप क्यों खड़ी, पकड़े फोन, पकड़ हाथ में। अरे सच से घबराना क्या, लगा फोन दामाद जी को और बात कर और पूछ उनसे कि बिट्टू से बात क्यों की। तुझे याद है ना, तूने और दामाद जी ने जैसे ही बात की उसके तुरंत बाद बिट्टू का फोन आ गया। हाँ दामाद जी खुद ही अपना घर बिगाड़ने में लगे हुए हैं तो क्या करें। अरे फोन लगा ना, लगा लगा। हेलो हेलो वरुण जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ पूजा बोलो। वरुण जी, दो दिन पहले हमारी बात हुई थी, उसके बाद आपने बिट्टू को फोन किया था क्या? नहीं पूजा, मैंने बिट्टू भाभी को कोई फोन नहीं किया था, बल्कि उल्टा उनका फोन मुझे आया था। हाँ तो हम दोनों के बीच जो बात हुई वो आपने बिट्टू को बता दी क्या? पूजा मैंने तो बिट्टू भाभी को बस, बहुत हो गया, वो बिट्टू आपकी बीवी को तलाक करवाने की धमकी दे रही है और आप बस बिट्टू भाभी करते रहिए। क्या पूजा, बिट्टू भाभी ने तुम्हें तलाक की धमकी दी? हाँ, लेकिन ना मुझे बिट्टू की परवाह ना उसकी बकवास धमकियों की। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे वापस ले जाने के लिए आ जाइए, वरना मेरे घर वाले हैं वो मुझे संभाल सकते हैं। शाबाश शाबाश पूजा, बहुत बढ़िया। नहीं ताई जी, वो नहीं आएंगे। क्यों? पूजा पूजा कहाँ नहीं आएंगे दामाद जी? हाँ वो मम्मी, वो वरुण जी मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन अब वो कंपनी के काम से भोपाल जा रहे हैं तो शायद नहीं आएंगे वो। अरे तो तू इतने घबरा क्यों रही है पूजा? हाँ अरे दामाद जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, तेरी ताई जी है ना, डॉक्टर के पास मैं लेके चलूंगी तुझे। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, अब आप क्यों तकलीफ करेंगी, मैं हूँ ना। नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ ना, मैं लेके जाऊंगी। चल बेटा तू थोड़ा आराम कर ले। भाभी जी और इतना मीठा बोल रही। रेड रोज चले? हाँ इस मैडम का ना सिर्फ पढ़ाई करने का प्लान है, नो रेड रोज और नहीं पढ़ाई रोज रोज। समीर मुझे लगता है पंडित बुखार का बहाना बनाकर फिर से बेटा फिल्म देखने चला आ गया है। आउच! Thank you.
आई लव यू। दस मिनट ही बचे हैं, जल्दी हाथ चलाओ। कुछ भी छोड़ोगे तो फाइनल्स में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, समझ लो सब। पेपर से ज्यादा नैना में दिल लगा हुआ था और एग्जाम्स खत्म होने की इतनी खुशी किसी को नहीं हुई होगी जितनी मुझे हुई थी। क्योंकि अब तक तो मैं वन वे रोमांस कर रहा था, पर अब एक्साइटमेंट ये थी कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद शायद ये टू वे रोमांस हो जाए और फिर ये रोमांस हम दोनों को प्यार के रास्ते पे कहीं दूर, बहुत दूर ले जाए। जहां कोई आता जाता नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।